नमस्कार दोस्तों, कई बार आप लोगों ने देखा होगा सीलिंग फैन को चलाने के लिए टू पिन टॉप का यूज करते हैं। जब सीलिंग फैन चलाना हो तब इसको 5 पिन सॉकेट में लगा देते हैं और सीलिंग फैन चलने लग जाता है, और बंद करना हो तब ये टू पिन टॉप को निकाल देते हैं। इसका एकदम बिल्कुल आसान तरीका है, आपका सीलिंग फैन चलेगा भी और स्पीड भी कम होगी, और उससे क्या होगा कि आप उसको ऑन ऑफ भी कर पाओगे। जैसे यह सप्लाई की तार, सप्लाई वाली वायर है, इसको आपको सीलिंग फैन के जिसमें से फेज वाली वायर को आपको कनेक्ट करना है ये वाले पॉइंट पे, यहाँ पे और न्यूट्रल वाली वायर को कनेक्ट करना है सीलिंग फैन के इस पॉइंट पे। ये सीलिंग फैन में इस तरह का एक ये टर्मिनल है यहाँ पे, ये न्यूट्रल वायर। अब इसमें जैसे ये फेज और न्यूट्रल दे दिया है, और इसको चालू करने के लिए क्या करते हैं कि इसमें दे देते सप्लाई, ये टू पिन टॉप को लगाते पावर में लगाया और इसको चालू कर देते हैं। सीलिंग फैन चलते रहता है, जब बंद करना होता है टू पिन टॉप को निकाल देते हैं। अब इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक लेना होगा इसमें फैन रेगुलेटर। फैन रेगुलेटर आप लेंगे, फैन रेगुलेटर की 2 वायर है, और इसमें से आपको सीलिंग फैन की वायर में से लाल वायर को बीच से ऐसे कट कर लेना है। रेगुलेटर की 2 वायर है, इस साइड से एक वायर को ये आउट वाले में कनेक्ट करेंगे आप ऐसे, और इसको टेप से कवर करेंगे, पीवीसी टेप लगाएंगे आप इसमें। इस प्रकार से ऐसे लगा दीजिए। दूसरी वायर है, इसको आप इनपुट वाले वायर के साथ में कनेक्ट करेंगे, यहाँ से फेज आएगा और इस वायर से आउट होगा। अब इस वायर को भी पीवीसी टेप लगा करके कवर कर दीजिए। इस टाइप से ये हो गया। अब इसमें आपको क्या करना होगा, जैसे ये वायर ऐसे हो गई, अब इसको इस वायर के साथ में आपको पीवीसी टेप से ऐसे लटका देना है, क्योंकि रेगुलेटर होता है कवर्ड बिल्कुल, कहीं आपको इसमें शॉक लगने का भी खतरा नहीं है। बस आपको पीवीसी टेप ही लगानी होगी और आपका काम बन जाएगा जी। ये ऐसे, अब आपको इसको ना तो कहीं और कहीं लगाना है, ये देखिए। अब टू पिन टॉप को निकालने की आवश्यकता नहीं है, आप टू पिन टॉप को ऐसे पावर में लगा ही हुआ है छोड़ दीजिए। ये रेगुलेटर है, अभी रेगुलेटर को ऑफ किया है, ये स्विच का भी काम करेगा और स्पीड को कम ज़्यादा भी करेगा। दोस्तों इस तरह से आप वायरिंग कर सकते हैं। अब देखिए पावर चालू कर दिया है, अब इसको स्विच का काम करवाने के लिए ऑन किया, और स्पीड को कम या ज़्यादा करने के लिए ऐसे, ये फुल स्पीड है, कम करनी है तब आप इसमें कम भी कर सकते हो ऐसे। ये कम हो गई, ये बंद हो गया। यहाँ से आपको डायरेक्ट पावर में लगा देना है और बीच में लगाना है ऐसे एक फैन रेगुलेटर। रेगुलेटर स्विच का भी काम करेगा और स्पीड को भी कम या ज़्यादा आप कर पाओगे दोस्तों। ये हो गया। अब इसमें आपको बार बार टू पिन टॉप को निकालना व लगाना नहीं पड़ेगा, आपका काम बन जाएगा ऐसे।
अभी पावर चालू है इसलिए ये हमने नीचे रख दिया था, चल गया था, ये वाला हटा दिया, पावर अभी ऑफ कर दी गई। ऐसे आप एक रेगुलेटर लगा करके आप स्विच का भी काम कर पाओगे और इसके साथ में आपको टू पिन टॉप को निकालना या बार बार हटाना नहीं पड़ेगा, लगाना और हटाना नहीं पड़ेगा। ये आपका काम दोनों काम कर देगा, स्पीड को भी कम ज़्यादा करेगा और उसके बाद आप इसको एक स्विच की जगह भी यूज कर पाओगे। अगर आप ऐसे टू पिन टॉप लगा करके चलाते हो तो दोस्तों उसमें आप एक फ़ैन रेगुलेटर लगा लो, उसमें आपका काम बन जाएगा। देखते रहिए, सीखते रहिए हमारा चैनल इलेक्ट्रिक गुरु। जय हिंद।